ओके प्लीज एक रिक्वेस्ट है सबसे, सब लोग कम्युनिटी घर से निकलने से पहले चेक करेंगे. एंड कम्युनिटी इज नॉट अ थिंग टू आर्काइव. कम्युनिटी में आपके लिए ही बनाया गया है क्योंकि व्हाट्सएप पे द नंबर्स आर नॉट सेफ. ठीक है, तो इसीलिए व्हाट्सएप हमने डिस्कार्ड कर दिया डेटा प्राइवेसी के चक्कर में, बिकॉज एवरीवन विल हैव एक्सेस टू ऑल अदर्स नंबर्स, इज नॉट सेफ. ठीक है, तो इसीलिए तुम लोगों को कम्युनिटी चेक करना है. ठीक है, एंड कोई भी प्रॉब्लम होने से डैशबोर्ड के थ्रू तुम लोग को क्वेरी रेज करना है. ठीक है, सो ये ध्यान रखना है, ये सिस्टम है. मेरे को कोई एडमिशन छोड़ के मैसेज नहीं करेगा. अगर पैसे का इनफ्लो है तो मेरे को मैसेज करेगा, या फिर हमारे टीम से सपोर्ट नहीं मिल रही है. आई एम बेसिकली लेवल 5 का सपोर्ट और एडमिशन. ठीक है सर, आप पैसा के लिए ऐसे? हाँ ऐसे ही, कुछ खराब नहीं है उसमें. ठीक है, तो ध्यान रखना आगे से, कोई भी ऑपरेशनल क्वेरी है, कुछ भी है, टीम को मैसेज करो. देर आर एक्सपर्ट्स, दे आर गोइंग टू हैंडल इट. ठीक है, लेकिन कोई तुम्हारा फ्रेंड है जिसको कंफ्यूजन है कि एक्चुअली करे कि नहीं करे, करे तो हम लोग से करे कि नहीं करे, वहां पर तुम तुरंत फोन मिलाएगा ना, मैं उठा लूंगा. और अगर मान लो कि तुम लोग को ऐसा हुआ कि भाई तुम लोग फोन मिलाए मैं उठाया नहीं, तो जस्ट टेक्स्ट मैसेज में डाल देना इट्स रिलेटेड टू एडमिशन, फिर मैं कॉल कर लूंगा. ठीक है ना, सो वहां क्या है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी. ओके चलो आओ. सो हमने सबसे पहले हमने किया, हम लोग एकदम पूरा स्टडी पेस में जा रहे हैं. आज है 3 तारीख. ठीक है ना, घर पे सबका नवरात्र का पूजा होता होगा. आई डोंट नो कितना लोग सुबह उठते हैं कि नहीं उठते हैं, बट यस, कैलकुलेटर में अगर आपका आंसर से आंसर्स दूर आ रहे हैं तो सुबह उठ के पूजा में जाइए. देखिए धीरे धीरे करके माँ सारे कष्ट को हरेंगी. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एक प्रैक्टिस है तो सबको करना है सुबह उठ के. ऐसा नहीं है कि पूजा हो रहा है तुम लोग सोए हुए हो, नहीं, यही छोटा छोटा चीज एडअप करता है. ठीक है ना, कुछ ऐसा होगा कि तुम देखना तुम बाकी लोग से अलग हो जाओगे. ठीक है, तो इट्स नॉट जोक और क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है ना, पूजा सबको थोड़ा बहुत, पूजा इज नॉट, पूजा इज द रॉन्ग वर्ड आई विल से, कुछ थोड़ा सा ऐसा जो स्पिरिचुअल हो, तुमको भरोसा होना चाहिए, बिकॉज नहीं तो यू विल ऑलवेज स्ट्रेस आउट अ लॉट रिलेटेड टू एग्जाम्स. एंड ऐसा होगा एक टाइम पे कि तुम हर चीज के लिए अपने आप को मतलब दोषी बनेगा, या फिर कुछ सक्सेस भी होते जाएगा तो तुम अपने आप को वो चीज करेगा, ऐसा नहीं है. देर इज अ गाइडिंग फोर्स, यू नीड टू बिलीव इन दैट. तभी क्या है, यू नीड टू बिलीव इन दैट लिटिल बिट ऑफ मैजिक. तो वो तभी होगा ना जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करेगा. अभी जैसे क्या है, बहुत लोग जो लोग एग्जाम दिया वो लोग को स्ट्रेस किस चीज का और हम पास होंगे कि नहीं होंगे, बट दैट इज नॉट अ थिंग टू स्ट्रेस आउट. तुमने अपना बेस्ट किया, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन डू. तो ये चीज ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा कोई चीज को लेकर स्ट्रेस आउट नहीं करना है. तुम्हारा काम है पढ़ना और एग्जाम देना, बाकी फिर तुम छोड़ो. ठीक है ना, तो वो तभी हो पाएगा जब तुम थोड़ा सा स्पिरिचुअल है. ठीक है, आओ. तो हमने किया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, और कल हमने किया पेमेंट स्ट्रीम. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 टॉपिक्स. वी आर लेफ्ट विथ योर लेवल एनविटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनविटी एंड इक्वेशन ऑफ वैल्यू. तो 3 दिन है, 3 टॉपिक है. कल एक्चुअली सुबह मेरे को भवानीपुर कॉलेज जाना है, तो इसीलिए कल डबल क्लास नहीं हो पाएगी, इसलिए आज आपका मैंने एक्सेल का क्लास रखा है. ठीक है, ताकि आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाए, फिर एक्सेल की जो बेसिक्स की क्लासेस है, इक्वेशन वाली तक, वो आपको रिकॉर्डेड से करना है. रात में भी क्लासेस चलेंगी, बट वो थोड़े टाइम बाद चालू होंगी, दुर्गा पूजा के बाद से चालू हो जाएंगी. ठीक है, तो ये था. एंड कल हम लोग का सेम टाइम पे क्लास है, 12:30 बजे से है. ठीक है ना, ओके ठीक है, तो चलो चालू करते हैं. प्लीज पुट द हेडिंग लेवल एनविटी. ठीक है, आओ. तो बेसिकली एनविटी क्या है, ध्यान से सुनना. टोटल क्लास का ड्यूरेशन है 1 घंटा. 1 घंटा में मैं आपको सारे टाइप की चीजें सिखा दूंगा, बट आपका ध्यान मेरे को चाहिए. तो एनविटी क्या है, एनविटी इज अ रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट. माने क्या होता है, देखो अब जैसे मान लो ये रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट है, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरी मम्मी का अकाउंट था आज से ठीक 13 साल पहले. ठीक है, 10 साल पहले मेरे भैया का शादी हुआ, 13 साल पहले मैंने 1000 रुपीज पर मंथ का एक रिकरिंग डिपॉजिट चालू किया.
तीन साल का था, तो 36,000 मैंने दिया, तीन साल में कुछ इंटरेस्ट एक्युमुलेट होकर मेरे को कुछ 42 या फिर 43,000 रुपीज मिला, ठीक है। तो वो जो पैसा मिला वो हमने हमारे ब्रदर के वेडिंग में यूज किया। तो बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कुछ सीरीज ऑफ पेमेंट्स दे रहे हो, क्यों? क्योंकि या तो आज आपने कोई चीज खरीदा है, ठीक है, बैंक से लोन लेके, फॉर एग्जांपल मैंने जब ये प्रॉपर्टी लिया, ये प्रॉपर्टी 3 करोड़ रुपए का है, तो मेरे पास में 3 लाख भी नहीं था, मैंने अपने फैमिली मेंबर से लिया, ठीक है, फैमिली मेंबर से 50 लाख लिया, बाकी बैंक से 2 करोड़ का लोन लिया, और भी तरह तरह से मैंने पैसा जुगाड़ करके दिया। तो बेसिकली अब बैंक बोला कि आपको हर महीना 2 लाख रुपए ईएमआई भरना है, ठीक है। आप भी घर पे कभी बात हो लोन का, तो मोटा मोटी हिसाब ये है, 1 करोड़ रुपए महीने का 1 लाख रुपए का ईएमआई बनता है, ठीक है ना। 20 साल 25 साल का लोन ड्यूरेशन रहता है, ठीक है। एंड द बैंक इज ओनली गोइंग टू ग्रांट यू लोन आफ्टर ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, आपका आईटीआर वगैरह चेक होगा, क्योंकि बैंक देखेगा कि क्या आपका औकात है लोन लेने का, ठीक है। अब मान लो जैसे आईफोन निकला है, ठीक है, बहुत लोग किडनी बेच के लेते हैं, बहुत लोग लोन लेते हैं उसके लिए, ठीक है, ताकि वो लोग दिखा सके कि वो लोग कितने अमीर है, बट वो लोग है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट है आज ये लेवल रहेगा, लेवल मतलब सेम रहेगा, ये एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद होता है, नॉट नेसेसरीली ईयर्स, ये आपका मंथ्स में भी हो सकता है, क्वार्टर्स में भी हो सकता है, हाफ ईयर्स में भी हो सकता है, एनुअल में भी हो सकता है, ठीक है। आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज कि भाई अगर मैं ये रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट दे रहा हूं तो इसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगा या फिर इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, बहुत सिंपल है। एनविटी या तो साल के एंड पे देंगे या फिर साल के स्टार्ट में देंगे या फिर थ्रू आउट द ईयर देंगे, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस पेमेंट्स बोलते हैं, कल किया था ना पेमेंट स्ट्रीम, तो वो चीज है, ठीक है। तीन टाइप का हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू या फिर अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है। उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे अगर हम लोग के पास में एनुअल में काम करना है, एक साल में काम कर रहे हैं बट पेमेंट्स मंथ्स में हो रहा है, माने आप जिस टाइम पीरियड में काम कर रहे हो उस टाइम पीरियड में एक पेमेंट नहीं हो रहा है, 12 पेमेंट हो रहा है, या फिर अगर पेमेंट क्वार्टरली हो रहा है आप, तो बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं एनविटी स्पेड पीएथली या फिर एमएथली, मतलब एक टाइम पीरियड जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें एक पेमेंट नहीं हो रहा है, बहुत सारा पेमेंट्स हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग करेंगे परपेचुइटी। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव है हमारा। परपेचुइटी में बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा एनविटी जो कि आजीवन चलता है, फॉर एग्जांपल आईटीसी कंपनी है, ठीक है, 500 रुपए शेयर प्राइस है, साल का 15 रुपए डिविडेंड देती है, 15/500 मोटा मोटी कितना होता है आपका, 3% का डिविडेंड यील्ड बनता है, ठीक है, इतना ही होता है क्या, 15 को डिवाइड करेंगे तो 15, हाँ 3% का डिविडेंड यील्ड बनता है। तो बेसिकली क्या है, आईटीसी कंपनी तो कभी जीवन में बंद नहीं होगा, सोच के देखो आईटीसी कंपनी जीवन भर चलेगा, लोग आएंगे लोग जाएंगे, आज हमारे ऑफिस में 200 से भी ज्यादा स्टाफ काम कर चुके हैं लास्ट 10 साल में, बट क्या ये कंपनी बंद हुआ, नहीं, मैं रहूं मैं मर जाऊं, लेकिन हम लोग जो इनकलकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग जो हमारे एम्प्लॉइज में हमारे जो मेंबर्स है कोवर्कर्स उसमें जो इनकलकेट कर रहे हैं, मैं रहूं नहीं रहूं ये कंपनी जरूर रहेगा, ये कंपनी में इसी तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होगा, तो कंपनी कभी बंद नहीं होता है, कंपनी और ओनर सेपरेट है। तो बेसिकली क्या है, परपेचुइटी क्या है, एक ऐसा एनविटी जो कि आजीवन चलता रहे, तो कंपनी आजीवन रहेगा तो कंपनी डिविडेंड भी आजीवन रहेगा, डिविडेंड भी आजीवन देगा। आप देखो दो टाइप का होता है, एक होता है अक्यूमुलेटेड वैल्यू, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो जो एनविटी आजीवन चलेगा उसका फ्यूचर वैल्यू तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कहां निकालना है, लेकिन उसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। तो परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, पूरा एक्चुअल मैथ्स में क्या करेंगे, जो सम ऑफ मनी है उसको टान के प्रेजेंट पे लाएंगे या फिर जो सम ऑफ मनी है उसको फ्यूचर में कंपाउंड करेंगे, यही करेंगे, आज भी वही करना है, ठीक है। हेडिंग लिखाओ, लेवल एनविटी लिखा, लिखो पहला केस, लिखो पहला केस, लिखो, बहुत ईजी है, पता है बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चलो पहला इसके में बगल में लिख दो, वेरी 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 सिंपल, मैंने इससे ईजी चाय बनाना होगा, मतलब मेरे को लगता है चाय पत्ती डालो पानी उबालो, मतलब इससे इजी वही होगा, ठीक है। तो ये देखो अब इसमें क्या है, ध्यान से सुनो, एक केस लिखो, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी, कैलकुलेट कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ऑफ ₹1 पेड एट एंड ऑफ ईयर फॉर एन ईयर्स, ठीक है, इसको हम लोग अरियर्स भी बोलते हैं, ARRERS अरियर्स बोलते हैं। अगर एनविटी एंड ऑफ द ईयर पे है तो अरियर्स, अगर एनविटी स्टार्ट ऑफ द ईयर पे है तो एडवांस या फिर ड्यू, ड्यू मतलब क्या, एडवांस या फिर स्टार्ट, एंड ऑफ द ईयर मतलब अरियर्स, ठीक है। अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, एन ईयर्स का एनविटी है, हर साल के एंड पे कितना रुपए का पेमेंट होगा, ₹1 का पेमेंट होगा। सर विजुअलाइज कराइए, ये लो विजुअलाइज करा दिया, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये डॉट डॉट, ये n-1 और ये n,
ठीक है, पहला पेमेंट कहां पर होगा, जो बच्चा बता दिया वो पास, जीरो पे या वन पे? वन पे, पहला साल के एंड पे होगा ना, तो जीरो पे का कोई पेमेंट होगा नहीं। टोटल में कितना पेमेंट होगा, एन पेमेंट्स होगा। कितने का पेमेंट होगा, एक रुपए का पेमेंट होगा। तो यहां कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, यहां 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 हो रहा है और यहां हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू या फिर एक्यूमुलेटिव वैल्यू, जल्दी बताओ, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है हाँ या ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब मेरे बात ध्यान सुनो, पहला वाला जो पेमेंट है वो एक रुपया का है, वो कितना साल टनेगा, एक दो तीन चार पांच, कितना साल टनेगा जल्दी बताओ, एक साल टनेगा। एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, वी, जोर से बोलो ना, वी। एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर इज वी, दो साल का वी स्क्वायर, तीन साल का वी क्यूब, चार साल का एन माइनस वन ईयर्स का वी टू दी पार एन माइनस वन, एंड एन ईयर्स का वी टू दी पार एन। सबको समझ में आ गया, और इन सबको प्रेजेंट में टान के क्या करेंगे, सम ना मल्टीप्लाई, सम। अरे सबका वैल्यू कहां पर आ रहा है, जीरो पे आ रहा है ना, फिर सम करेंगे। तो एक लाइन लिख रहे बताना येस और नो, वी प्लस वी स्क्वायर प्लस वी क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस वी टू दी पावर एन माइनस वन प्लस वी टू दी पावर एन, हाँ या ना? क्योंकि ये वाला जो पेमेंट है ये एक साल टन रहा है, ये दो साल टन रहा है, ये तीन साल टन रहा है और ये एन ईयर्स टन रहा है। एक साल टानेंगे तो वी, दो साल टानेंगे तो वी स्क्वायर, तीन साल टानेंगे तो वी क्यूब, सबके आगे वन है क्योंकि सारा पेमेंट कितने का है, वन का। यही अगर मान लो सारा पेमेंट 200 का होता तो सबके आगे क्या होता, 200। सबका सारा पेमेंट 1000 का होता तो स्टार्टिंग में क्या होता, 1000। समझा, यही है, जाओ हो गया, लिख के जाओ, हो गया। यही तो कराना था, कराना क्या था, इसी का तो पैसा है, सोचो इसको किताब से पढ़ लेता, बेमतलब का पैसा दिया। लिखो इसको जल्दी जल्दी, अभी रिफंड नहीं होगा, जो हो चुका पैसा जो दे दिया नॉन रिफंडेबल है। V टू दी पर n लिख आए है ना, ठीक है। एनवीटी का जो फॉर्मूला है वो है छोटा है नीचे n और ऐसे एक घर, आधा घर बनाओ, an, an फॉर्मूला है, ठीक है, an फॉर्मूला है। अब ये बताओ कि ये क्या है, एपी है ना जीपी है, जल्दी जल्दी बताओ, जीपी है। कॉमन रेशियो क्या है, v, कॉमन रेशियो क्या है, v। कितना टर्म्स है इसमें, कितना n टर्म्स है ना, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, a 1 माइनस आर टू दी पावर एन बाय 1 माइनस आर इज ए एन, ठीक है। तो 1 माइनस वी टू दी पावर एन बाय 1 माइनस वी बाय वी विच इज 1 माइनस वी टू दी पावर एन बाय 1 बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू व्हाट, अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर 1 ईयर विच इज व्हाट, 1 प्लस आई माइनस वी बाय वी इज 1। तो फाइनल आंसर आ रहा है 1 माइनस वी टू दी पावर एन बाय आई, ये फॉर्मूला है, कॉपी कर लो। अगर ये समझ में आया तो ही आगे का पांच के समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये समझ में नहीं आया तो बोलो, नेक्स्ट यही केस अरियर्स का बट अभी हम लोग को अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है, ठीक है, ध्यान देना। सर विजुलाइज कराइए, ये लो 0 1 2 3, यहां आएगा n माइनस वन और यहां आएगा n। अरियर्स बोला तो पहला पेमेंट कब होगा, अरे लास्ट में वन पे हुआ था, अभी इसमें कब होगा, तुम निकल जा क्लास से बाहर। अरियर्स बोल रहे, अरियर्स मतलब क्या होता है, एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर मतलब क्या, पहला पेमेंट कब होगा, वन पे। जीरो क्यों बोला, अरियर्स मतलब क्या बोला, एंड ऑफ ईयर। तो पहला पेमेंट कब होगा, वन पे। केस चेंज नहीं हुआ है, केस अरियर्स का ही है, पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाले, अभी क्या निकाल रहे हैं, अक्यूमुलेटेड वैल्यू। समझा, तो यहां पेमेंट होगा। अब क्या करेंगे, टानेंगे ना आगे लेके जाएंगे। जो बच्चा बता दिया, कॉपी में लिख दूंगा पास, बताओ पहला जो पेमेंट है वो कितना साल अक्यूमुलेट होगा, सोच के बोलना, सोच के बोलना,
सोच के बोलना, बार बार बोल रहा हूं, सोच के बोलना। पहला जो पेमेंट है वो कितना साल अक्यूमुलेट होगा? हाँ, एन माइनस वन, यार एन माइनस वन, कम ऑन। ये टोटल कितना साल है? एक साल बीत गया तो कितना बच गया? बार बार बोल रहा हूं, सोच के बोलना। तो पहला जो पेमेंट है वो कितना साल अक्यूमुलेट हो रहा है? दूसरा पेमेंट फिर कितना साल अक्यूमुलेट होगा? ये लास्ट, ये जो एन माइनस वन वाला पेमेंट, ये एक साल, और जो एन पे जो पेमेंट हो रहा है वो जीरो ईयर्स, क्योंकि एन का पेमेंट एन पे ही आ रहा है ना, तो अक्यूमुलेशन कितने साल का होगा? जीरो ईयर्स। तो पहला जो पेमेंट है वो एन माइनस वन के लिए अक्यूमुलेट होगा, फिर दूसरा जो पेमेंट है वो एन माइनस टू के लिए, उसके बाद वन प्लस आई, और फिर लास्ट वाला पेमेंट वन प्लस आई जीरो ईयर्स के लिए अक्यूमुलेट हो रहा है। इसको उल्टा कर दीजिए तो वन प्लस आई प्लस वन प्लस आई का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन। क्या है ये बताओ, क्या है ये जीपी? लास्ट वाले में कॉमन रेशियो वन से कम था, इसमें जो है कॉमन रेशियो वन से बड़ा है, तो फॉर्मूला चेंज होगा। लास्ट वाले में फॉर्मूला था ए वन माइनस आर टू दी पावर एन, इसमें फॉर्मूला बनेगा ए आर टू दी पावर एन माइनस वन बाय, अरे बोलो ना, बाय आर माइनस वन। ठीक है, करो इसको, इसका जो फॉर्मूला है देख लो, एस एन एस एन। हुआ यहां तक? हाँ, तो क्या आएगा? ए आर टू द पावर एन। जो बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि इसमें एन टर्म्स है, वो बच्चा पास नहीं हो सकता एग्जाम। वेरी ब्लंटली आई एम सेइंग, भाई वन से चालू हो रहा है, एन माइनस वन तक जा रहा है, चीज समझो, ध्यान दो। ये वन प्लस आई टू द पावर वन है, वन से एन माइनस वन कितना टर्म्स हुआ? एन माइनस वन, और एक ये भी तो है, तो n माइनस वन प्लस वन टर्म्स, तो n टर्म्स है, टर्म्स n है टोटल में। ठीक है, सो a r टू द पावर n, दिस इज नॉट नंबर ऑफ ईयर्स, इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। आपका जो एक्सपेंशन है उसमें कितने टर्म्स है? r टू द पावर n माइनस वन बाय r माइनस वन। ठीक है, तो क्या आएगा? वन प्लस आई टू द पावर n माइनस वन बाय आई। कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट में आइए, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी पेड इन एडवांस ऑफ रूपी वन फॉर एन ईयर्स। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी पेड इन एडवांस, ब्रैकेट में लिख देना एनविटी ड्यू, ब्रैकेट में लिख देना एनविटी ड्यू। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी पेड इन एडवांस ऑफ रूपी वन फॉर एन ईयर्स एट द रेट आई परसेंट। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी पेड इन एडवांस, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी पेड इन एडवांस, ब्रैकेट में लिख देना एनविटी ड्यू ऑफ रूपी वन फॉर एन ईयर्स एट द रेट आई परसेंट। सो बेसिकली अब हम लोग आ गए एडवांस में, प्रेजेंट वैल्यू में। सर विजुअलाइज कराइए, ये लो, जीरो वन टू थ्री फोर डॉट डॉट एन माइनस वन एन। जल्दी जल्दी बताओ पहला पेमेंट कब होगा? जीरो पे, एनविटी पेड इन एडवांस है, फर्स्ट ईयर का बिगनिंग, सेकेंड ईयर का बिगनिंग, थर्ड ईयर का बिगनिंग, फोर्थ ईयर का बिगनिंग, फिफ्थ ईयर का बिगनिंग, एनथ ईयर का बिगनिंग, यहां कोई पेमेंट नहीं होगा, बिकॉज एनविटी कितने साल का है? एन साल का है, एंड एन इज वॉट द बिगनिंग ऑफ एन प्लस वन एथ ईयर।
चीज समझा ना, जब एडवांस बोलेंगे तो साल का स्टार्ट सोचना है, एन माइनस वन इज द एंड ऑफ एन माइनस वन एंड द बिगिनिंग ऑफ एन, ठीक है, टाने टूनी करो, तो यहां पर क्या होगा, वी टू दी पावर जीरो प्लस वी टू दी पावर वन प्लस वी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएंगे जल्दी बोलो, वी टू दी पावर एन माइनस वन। ड्यू का फॉर्मूला देख लेना, ए था ना उसके ऊपर दो डॉट लगाएंगे, ए ड्यू एन, ए ड्यू एन, इसका फॉर्मूला क्या होगा जीपी, ए वन माइनस आर टू दी पावर एन, अगेन इसमें एन टर्म्स है, अगेन इसमें एन टर्म्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगेन इसमें एन टर्म्स है, क्यों एन टर्म्स है, वन से लेके एन माइनस वन, एन माइनस वन टर्म्स और एक ये वाला टर्म, ठीक है ना, वन माइनस वी टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स बाय वन माइनस आर, एंड यू नो दैट वी इज वन माइनस डी एंड डी इज वन माइनस वी, सो दिस इज वन माइनस वी टू दी पावर एन बाय डी। पूरा ध्यान बोर्ड पे रहेगा, अभी हम लोग करेंगे एडवांस का अक्यूमुलेटेड वैल्यू, ध्यान देना, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव डॉट 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 एन माइनस वन और एन, पहला पेमेंट कहां होगा, जीरो पे हो रहा है, वन पे हो रहा है, टू पे हो रहा है, थ्री पे हो रहा है, डॉट 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 यहां होगा, सबको कहां लेके जाना है, सबको कहां लेके जाना है, एन पे अक्यूमुलेट करना है, इसका नोटेशन होता है एस ड्यू एन, कैपिटल एस नीचे एन, ड्यू और एस एन, ठीक है, अब ध्यान देना, पहला वाला जो पेमेंट है जीरो का वो कितना साल अक्यूमुलेट होगा, सोच के बोलना कितना साल अक्यूमुलेट होगा, एन ईयर्स, जीरो से एन इज एन ईयर्स, सो वन प्लस आई टू दी पावर एन प्लस दूसरा वाला एन माइनस वन प्लस डॉट 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 लास्ट वाला वन प्लस आई टू दी पावर वन, उल्टा कर दीजिए, वन प्लस आई प्लस वन प्लस आई का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वन प्लस आई टू दी पावर एन, सो ए आर टू दी पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, ठीक है, तो वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन बाय आई बाय वन प्लस आई, ठीक है ना, सो वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन बाय डी। ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहां ले गया, जानकी पटेल एंड जैस्मिन अरोड़ा, क्या क्वेरी है बताइए मेरे को, क्या रिपीट करना है, चैट पे टाइप कीजिए क्या रिपीट करना है, विच केस अरियर्स एडवांस फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला, एनविटी एक रुपया का है, एंड ऑफ द ईयर पे जाएगा, तो हर साल के एंड पे एक रुपए का पेमेंट होगा, तो पहला साल का एंड मतलब क्या वन, दूसरा साल का एंड मतलब क्या टू, ऐसे ऐसे करके हर टाइम पे एक एक रुपए का पेमेंट हो रहा है,
सबको टान के जीरो पे लाएंगे और फिर सम करेंगे। एनविटी इज अ रेगुलर स्ट्रीम ऑफ पेमेंट, रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट। तो पहला वाला जो पेमेंट है जो टाइम वन के एंड पे हो रहा है उसको अपने को क्या करना है, एक साल पुल बैक करेंगे तो क्या आएगा वी, दो साल पुल बैक करेंगे तो क्या आएगा वी स्क्वायर, तीन साल पुल बैक करेंगे तो क्या आएगा वी क्यूब। ठीक है, ऐसे करके लास्ट वाला पेमेंट हो रहा है टाइम एन पे, एन ईयर्स के लिए पुल बैक करेंगे तो क्या आएगा वी टू द पावर एन। अब ये क्या मेरा क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है। तो जीपी का मतलब क्या है, जीपी का मतलब है ए वन माइनस आर टू द पावर एन बाय वन माइनस आर, वही मैंने किया है यहां पर देख लीजिए। ठीक है, कॉमन रेशियो वी है, फर्स्ट टर्म वी है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज एन। ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग लगाइए कंटिन्यूअस एनविटीज। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एनविटीज में सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू। अब क्या हो रहा है ध्यान देना, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये एन माइनस वन और ये एन है। अब ये पूरा यहां से यहां तक में एक रुपए का पेमेंट हो रहा है, फिर यहां से यहां तक में एक रुपए का पेमेंट हो रहा है, ये यहां से यहां तक में एक रुपए का पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मेरा जो रो टी है वो कांस्टेंट हो गया वन। ठीक है, मेरा जो डेल्टा टी है वो कांस्टेंट हो गया डेल्टा, एन ईयर्स तक पेमेंट होगा और हर साल थ्रू आउट द ईयर एक रुपए का पेमेंट होगा, रेट ऑफ पेमेंट इज वन। अभी अपने क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जीरो से एन, क्यों एन ईयर्स है। ठीक है, रो टी हो गया वन इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम टी पर जो पेमेंट है उसको जीरो पर ला रहे हैं, डेल्टा डी एस होल इंटू डी टी। इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जीरो से एन ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी माइनस जीरो डी टी, विच इज इंटीग्रेशन जीरो से एन ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी डी टी। इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे सो ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी बाय माइनस डेल्टा जीरो से एन, सो माइनस वन बाय माइनस वन बाय डेल्टा ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन माइनस एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन। ठीक है, सो वन माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बनता है विच इज ए ऊपर में बार एन, ए बार एन मतलब कंटिन्यूअस लेवल एनविटी पेड कंटिन्यूअसली, ए बार एन का मतलब होता है कंटिन्यूअस लेवल एनविटी पेड कंटिन्यूअसली। जानकी पटेल इज इट फाइन नाउ, जैस्मिन अरोड़ा इज इट फाइन नाउ, तुम लोग अब ट्राई करो, मैं पांच मिनट का टाइम दे रहा हूं, एडवांस सॉरी कंटिन्यूअस एनविटीज अक्यूमुलेटेड वैल्यू वाला केस। ठीक है, समझ गया ना, पांच केस हो गया, लास्ट केस है कंटिन्यूअस एनविटीज अक्यूमुलेटेड वैल्यू वाला केस। ठीक है, ट्राई करो।
कांस्टेंट है दिशा भारतीया, डेल्टा टी इज कांस्टेंट, ठीक है। आइए अब हम लोग कर रहे हैं अक्यूमुलेटेड वैल्यू वाला केस, ठीक है। आइए सो इंटीग्रेशन जीरो से एन, रूट इज वन इंटू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन टाइम टी पर जो पेमेंट है उसको एन पर लेके जाएंगे, डेल्टा डी एस होल इंटू डी टी, ठीक है। सो इंटीग्रेशन जीरो से एन ई टू द पावर डेल्टा एन माइनस टी डी टी, सो ई टू द पावर डेल्टा एन कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, जीरो से एन ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी डी टी, जस्ट अभी हम लोग इसको सॉल्व किए, और इसका जो नोटेशन होगा वो होगा एस बार एन, ठीक है। सो ई टू द पावर डेल्टा एन वन माइनस ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा, सो दिस इज ई टू द पावर डेल्टा एन माइनस वन बाय डेल्टा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वन प्लस आई टू द पावर एन, क्योंकि ई टू द पावर डेल्टा एन एन ईयर्स का अक्यूमुलेशन फैक्टर होता है, एंड वन प्लस आई टू द पावर एन भी एन ईयर्स का अक्यूमुलेशन फैक्टर होता है। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया, आओ हेडिंग लगाना क्या बैठो, एनविटीज पेड एमेथली, ठीक है। आप क्या होगा ना, जिस टाइम पीरियड में काम करेंगे उसमें एक पेमेंट नहीं होगा, बहुत सारा पेमेंट होगा, डिस्क्रीट ही होगा, ठीक है। एग्जांपल सब लोग ध्यान से सुनो, पूरा फोकस बोर्ड पे होगा, ठीक है, ध्यान दो, पूरा दिन किताब लेके घूमने वालों में से नहीं हम लोग, जितना देरी पढ़ेंगे एकदम फाड़ देंगे एकदम, तो कुछ नहीं है। विजुलाइज देखो, अभी भी वी आर वर्किंग इन ईयर्स, ठीक है, बट जो पेमेंट हो रहा है वो क्वार्टर्स में हो रहा है, ठीक है। एनुअल पेमेंट इज वन, सो क्वार्टरली पेमेंट कितना हो जाएगा, वन बाय फोर, एन ईयर्स है, टोटल पेमेंट कितना होगा फोर एन, एक साल में चार, तो एन ईयर्स में कितना हो जाएगा फोर एन, इंटरेस्ट रेट आई है, इंटरेस्ट रेट आई है, ध्यान से सुनो, पहला जो पेमेंट होगा वो कितने का होगा, पहला जो पेमेंट होगा वो कितने का होगा, वन बाय फोर, कब होगा, कब होगा, एक क्वार्टर बाद, तो एक क्वार्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या बनेगा, वी टू द पावर वन बाय फोर, वी क्या है एक साल का, तो आधे साल का क्या बनेगा, वी टू द पावर हाफ, एक क्वार्टर का क्या बनेगा, वी टू द पावर वन बाय फोर, कुछ कॉपी मत करो रुक जाओ, फिर प्लस वन बाय फोर वी टू द पावर टू बाय फोर, फिर प्लस वन बाय फोर वी टू द पावर थ्री बाय फोर, फिर प्लस वन बाय फोर वी, ये एक साल का हुआ, सेकेंड ईयर में क्या होगा, वन बाय फोर वी टू द पावर वन प्लस वन बाय फोर, एक साल एक क्वार्टर, इस तरीके से ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, राइट, यहां पर आएगा प्लस वन बाय फोर वी टू द पावर एन, इसमें टोटल में कितना टर्म्स है, इसमें टोटल में कितना टर्म्स है, फोर एन टर्म्स है, क्या है ये, क्या है ये, जीपी, जीपी है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो वन बाय फोर नहीं मिलेगा, वी टू द पावर वन बाय फोर मिलेगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, वी टू द पावर, और वो क्या है, वो क्या है, कॉमन रेशियो है ना, तो जीपी से सॉल्व कर सकते हैं इसको, चलो सॉल्व करो उसको, केस लिख देना, पेमेंट इज इन क्वार्टर्स, वर्किंग इन मंथ्स, वर्किंग इन एनुअल, सॉरी,
really sorry. Thank you for that. Payment is in quarters, working in annual. अब देखो ए ए वन माइनस आर टू द पावर एन बाय वन माइनस आर. एन कितना है? फोर एन टर्म्स है ना. एन इज नंबर ऑफ टर्म्स नॉट नंबर ऑफ इयर्स. डोंट कंफ्यूज. ठीक है. सो वन माइनस वी टू द पावर एन बाय ये नीचे आ जाएगा वन माइनस वी टू द पावर वन बाय फोर बाय वन बाय फोर वी टू द पावर वन बाय फोर. दिस इज वन माइनस वी टू द पावर एन बाय तो ये फोर आ जाएगा. वन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर अ क्वार्टर इज अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर अ क्वार्टर माइनस वन. अब डिनोमिनेटर का सिंप्लीफाइड वर्जन देखो. आई दिया हुआ है आई फोर अगर निकालना है. समझा? आई दिया हुआ है आई फोर निकालना है तो कैसे करते हैं? वन प्लस आई टू द पावर वन बाय फोर माइनस वन होल इन टू फोर इज वॉट? आई फोर. यही तो है ना. देख लो यही तो है ना. देख लो तो इस पूरा के चक्कर क्या लिख सकते हैं? वन माइनस वी टू द पावर एन बाय आई फोर. इसका नोटेशन देख लो. ए एन और एक साल में कितना बार? चार बार. ऊपर का मतलब क्या है? जिस टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं उस एक टाइम पीरियड में कितना बार पेमेंट हो रहा है. वन प्लस आई टू द पावर वन बाय फोर इज वन प्लस आई फोर बाय फोर. वन प्लस आई फोर बाय फोर इज वॉट? अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर अ क्वार्टर. एंड वन प्लस आई टू द पावर वन बाय फोर इज वॉट? अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर अ क्वार्टर. इसको वन बाय करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर अ क्वार्टर विच इज वी टू द पावर वन बाय फोर. ठीक है, कॉपी करिए इसको. अब इसी टोन में कोई बता सकता है? अगर एनुअल में काम कर रहे हैं बट पेमेंट हो रहा है तुम्हारा मंथ्स में, ठीक है, तो क्या चेंज होगा इसमें? ये वाला कॉपी हो गया क्या सबका? हाँ, ये वाला कॉपी हो गया सबका? अब देखो एक चीज, इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है ए एन पी, यहां पर होता है और ये होता है एट द रेट आई परसेंट. ध्यान देना, ये वाला और ये वाला, ऑल थ्री थिंग्स विल बी ऑफ सेम टाइम पीरियड. फॉर एग्जांपल, अगर एनुअल में काम कर रहे हैं तो यहां पर आएगा एनुअल अमाउंट ऑफ पेमेंट नंबर ऑफ इयर्स एंड दिस इज एनुअल रेट. अगर हाफ ईयर्स में काम करें तो हाफ ईयरली अमाउंट नंबर ऑफ हाफ ईयर्स एंड हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट. एंड ये वाले का मतलब क्या है? एक हाफ ईयर में कितना बार पेमेंट हो रहा है, एक हाफ ईयर में कितने बार पेमेंट हो रहा है. ठीक है. अच्छा, अब ध्यान देना, तो इसका फॉर्मूला बनता है वन माइनस वी टू द पावर एन बाय आई पी.
ध्यान दो इसको, ये देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, परपेचुइटी जो है वर्ड, ध्यान देना, कुछ भी नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, परपेचुअल एंड एनविटी। तो एक ऐसा एनविटी जो कि लाइफ टाइम चलते रहेगा उसको हम लोग परपेचुइटी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, मान लेते हैं 10 रुपए का डिविडेंड दे रहा है कंपनी हर साल के एंड पे, ठीक है, तो उसका क्या बनाएंगे, 10v square, 10v cube plus dot up to infinity। मान लेते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है a by 1 minus r, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 10 by 1.15 by 1 minus 1 by 1.15, है ना, सॉल्व कर बताओ कितना आ रहा है, यही है परपेचुइटी। av इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कितना, 2/3, 2/3 नहीं आएगा दर, 2/3, 3 आंसर बताए, तीनों गलत। ठीक है, परपेचुइटी का एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, ऊपर में हमेशा आएगा एनुअल अमाउंट और नीचे में आएगा आई अगर ईयरली इन अरियर्स है तो, डी अगर ईयरली इन एडवांस है तो, आई टू अगर हाफ ईयरली इन अरियर्स है, डी टू अगर हाफ ईयरली इन एडवांस है, कंटिन्यूअस होगा तो डेल्टा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 इज पेड एट टाइम 0, 1, 2 डॉट अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, आई अपने को दिया हुआ मान लो 10%, इसका अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, एनुअल अमाउंट इज 1000, बट देखो पेमेंट कैसा हो रहा है, अरियर्स में ना एडवांस में, एडवांस में क्योंकि पहला पेमेंट हो रहा है टाइम जीरो पे, तो क्या होगा 100 by d, तो 1000 by d, डी क्या हो जाएगा 0.1 by 1.1, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। दिमाग खोलो, दिमाग खोलो, सोशल मीडिया का कचरा से बाहर निकलो। डीप फोकस इज रिक्वायर्ड। दिमाग को थोड़ा खोलो अपना, घर पे प्रैक्टिस करके आओ। कितना आ रहा है, पूरा दिन किताब खोल के रखने का कोई दरकार नहीं है, पूरा दिन में एक टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें बगल में बम फट जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, तुम हिलेगा नहीं, बस पूरा दिन में एक टाइम ऐसा होना चाहिए, वो सुबह है, रात में है, दिन में है, दोपहर में, वो तुम्हारे ऊपर में है, एक टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें तो कोई तुमको नहीं हिला सके, 3 घंटा हर रोज, बाकी पूरा दिन जो करना है करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक पेपर दे रहा है बड़ा पेपर तो 3 घंटा,
एक बड़ा और एक छोटा दे रहा है तो 4 घंटा, दो बड़ा दे रहा है तो 5 घंटा, समझ गया? औकात अनुसार कोई भी हो, वीक से वीक, वीक स्ट्रांग कुछ नहीं होता है, जो वीक है उसको जो चीज पता चल जाएगा वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। पूरा दिन में एक टाइम, कोई कभी तुम लोग 7 बजे पढ़ लिया, कभी 9 बजे पढ़ लिया, कभी 10 बजे पढ़ लिया, कभी सुबह, वैसे नहीं होता है। एक टाइम ऐसा होगा जिसमें कोई तुमको नहीं हिला सकता, कोई भी नहीं, वही पढ़ाई इफेक्टिव होगा, ठीक है? चलो आओ, ये वाला हुआ। अब जैसे मान लो एनुअल पेमेंट अपने को दे दिया है 1000, ठीक है, बट पेमेंट हो रहा है क्वार्टर्स में, ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा तो अरियर्स मान के चलेंगे। सो बेसिकली क्वार्टर्स में कैसा हो रहा है, टी हो रहा है 0.5, 0.5, 0.75, 1 डॉट अप टू इन्फिनिटी, समझ गया? क्वार्टर्स में पेमेंट हो रहा है, अपने को I2 दिया हुआ है 10%, ठीक है, इसका अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो ऊपर में हमेशा क्या आएगा, एनुअल अमाउंट 1000, नीचे में क्या आएगा, I4, वेरी गुड, एक्सीलेंट, I4 इज द सिग्नेचर फॉर क्वार्टरली इन एडवांस, सॉरी I4 लिख दे रहा हूं, I4 इज द सिग्नेचर फॉर क्वार्टरली इन अरियर्स, समझ गया? ये अगर क्वार्टरली इन एडवांस होता तो नीचे क्या आता, D4, कंटिन्यूअस होता तो नीचे क्या आता, डेल्टा, ठीक है? तो I4 निकालेंगे, I2 दिया हुआ है तो क्या आएगा, 1.1 ना, सॉरी क्या आएगा, 1.05 का स्क्वायर, ये एक साल का हो गया, बाय 4 माइनस 1 होल इनटू 4, सॉल्व करिए कितना आ रहा है। तुम लोग अपना फुल फॉर्म से भी कर सकते हो बट यही आएगा, एक साल का एक्यूमुलेशन फैक्टर होगा 1.05 का स्क्वायर, उधर में आएगा डिवाइड में 4, फिर माइनस 1 इंटू 4, हाँ I4 ऐसे ही आएगा, (1000/0.09878780) परपेचुटी एक ऐसा पेमेंट है जो कि आजीवन चलता है, ऊपर में हमेशा आएगा एनुअल अमाउंट और नीचे में आएगा सिग्नेचर, ठीक है? अभी जैसे इसमें क्या हुआ, एनुअल पेमेंट हमारा 1000 था, क्वार्टरली पेमेंट 250 का होगा, कुछ नहीं बोला इसलिए अरियर्स मान के चल रहे हैं, तो अरियर्स अगर क्वार्टर्स में है तो उसका सिग्नेचर होगा I4, ठीक है ना? तो यहां पर मैंने क्या किया, एनुअल अमाउंट बाय I4, ठीक है? कितना आ रहा है इसका आंसर, 1023.5506 7 8, ठीक है? आइए एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? पेमेंट ऑफ 5000 पर एनम इज पेड कंटिन्यूअस टिल इंफिनिटी, आई अपने को दिया हुआ 8%, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो ऊपर में आएगा एनुअल अमाउंट और नीचे में क्या आएगा, डेल्टा आएगा, तो क्या होगा बताओ, ln 1.08, सॉल्व कर दो कितना आ रहा है, 6.49, लिखो 100 पर एनम इज पेड मंथली इन एडवांस, ठीक है, I12 इज 12%, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू टिल इंफिनिटी, 100 पर एनम इज पेड मंथली इन एडवांस, तो एनुअल पेमेंट कितना है, 100 पर पेमेंट कितना है, 100/12, ऊपर में क्या आएगा एनुअल पेमेंट विच इज व्हाट, 100 बाय, नीचे में क्या आएगा, D12, क्यों, क्योंकि मंथली इन एडवांस है, I12 से D12 निकालो, सो 1 + 0.12/12 1/2 इज व्हाट, 1 - D12/12 होल टू द पावर 12, सॉल्व D12 फ्रॉम हेयर एंड टेल मी द आंसर।
कितना आ रहा है, D12 0.11188 सॉल्व करके कितना आ रहा है आंसर, 8416.8416 आएगा, 0.66 यही आ रहा है क्या सबका? जैस्मिन अरोड़ा का तो D12 भी गलत आ रहा है। क्या आ रहा है, यही आ रहा है क्या आंसर बताइए? क्या आ रहा तुम्हारा, यही आ रहा क्या सबका? आया तुम्हारा? नेक्स्ट A10@5% निकालो, ADU20@9% निकालो, A15 ∆ 5% निकालो। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, 1 - V मतलब 1.05 - 10/0.05। दूसरा वाला हो जाएगा 1 - 1.09 - 20/D होगा, मतलब 0.09/1.09। ए बार में क्या होता है, 1 - e^(-0.05)×15/0.05, 1 - e^(-Δn/Δ। तीनों का आंसर बताइए कितना कितना आ रहा है। पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है बताओ, 7.7217 35। दूसरे वाले का 9.95011। तीसरे वाले का 10.552 66। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट S9@8% SDU10@10% S¹5@4% तो अब क्या हो जाएगा, 1.08^9 - 1/0.08, ये हो जाएगा 1.1^10 - 1/0.1/1.1, और ये हो जाएगा 1.04^10 - 1/ln 1.04। सॉरी ये 10 नहीं होगा,
1.04 टू द पावर क्या होगा 5, क्या आ रहा है बताओ तो पहले वाले का। हाँ 12.48, ये वाले का 17.53, और ये वाले का 5.523941। नेक्स्ट अब निकालो ए 10.4 एट द रेट 7%, तो ये कैसे निकलेगा 1-1.07 टू द पावर -10 बाय I4। और I4 कैसे निकालेंगे व्हेन I इज व्हाट 7%, तो I अपने को दिया हुआ है 0.07, I4 निकालना है तो 1.07 टू द पावर 1/4 -1 होल इनटू 4 इज व्हाट I4। फटाफट कैलकुलेटर चलाओ। नींद क्या आ रहा है, थक गई क्या? कितना आ रहा है 7.205536, यही आ रहा है क्या? नेक्स्ट
एड यू 12 12 एट द रेट 9%। तो इसका कैसे करेंगे, 1 माइनस 1.09 टू द पावर माइनस 12 बाय क्या हो जाएगा, डी 12, क्योंकि एडवांस है ना, एडवांस में डी हो जाएगा। सो आई दिया हुआ 9%, सो 1 बाय 1.09 इज वॉट, 1 माइनस डी 12 बाय 12 होल टू द पावर 12। सॉल्व करिए इसको। चलो ठीक है, ठीक है, ये वाला हुआ, कितना आ रहा है इसका आंसर, 7.505। अब ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। 600 पर एनम इज पेड फॉर 10 इयर्स मंथली इन अरियर्स, ठीक है। आई टू इज 8%, ठीक है। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। ये क्वेश्चन जो समझ गया तो आज का क्लास होगा हमारा समाप्त और सक्सेसफुल भी, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहां पर पेमेंट कैसे हो रहा है मंथ्स में, और एनुअल रेट कितना दिया हुआ है, 600। तो पहले हम लोग मंथ्स का रेट है तो मंथ्स में पेमेंट है तो मंथ्स में ही काम करेंगे, मतलब नॉर्मल लेवल एनुइटी। तो हर महीना कितने का पेमेंट हो रहा है, 50 का पेमेंट हो रहा है। कितने साल तक होगा, 10 साल में कितना महीना होता है, 120। यहां पर कौन सा रेट आएगा, मंथली ना एनुअल, मंथली इफेक्टिव रेट आएगा बिकॉज वी आर वर्किंग इन मंथ्स। अपने को आई टू दिया हुआ है, क्या निकालना है, गलत, सबका गलत, सब लोग जीरो आएगा, सब लोग फेल है यहां पर। आई 12 बाय 12, वेरी गुड, खाली वो पास है, क्यों, क्योंकि अपने को मंथ्स में काम करे तो मंथ्स का इफेक्टिव रेट चाहिए। आई 12 तो एनुअली अप्रोक्सीमेट रेट हुआ ना, मंथ्स में कंपाउंडिंग होगा तो एनुअल अप्रोक्सीमेट इज आई 12, बट एनुअल इफेक्टिव इज व्हाट, आई 12 बाय 12। तो आई 12 बाय 12 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1.04 का स्क्वायर बाय 12 माइनस 1 इज व्हाट, आई 12 बाय 12। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, फटाफट डालो यार, 0.07 नहीं आएगा, हाँ वेरी गुड, 0.006 5 6 5 5 8, हाँ अब इसको सॉल्व कर लो, हो गया 50 आ गया बाहर, 1 माइनस 1.006 5 5 8 टू द पावर माइनस 120 बाय 0.006 5 5 8। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, समझा, ऊपर में कोई कुछ कुछ क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज जिस टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में एक ही पेमेंट हो रहा है, दिस इज नॉर्मल लेवल एनुइटी। अपना आंसर अब यही रहेगा, लेकिन इसको अपने दो तीन तरीके से और करेंगे, ठीक है, कॉपी करो इसको।
ठीक है। अब ध्यान देना नेक्स्ट में, अब अपने काम करेंगे क्वार्टर्स में, तो क्वार्टर्स में अगर काम करेंगे तो एनुअल रेट इज हाउ मच, एनुअल रेट इज हाउ मच 600, एनुअल रेट ऑफ पेमेंट यार कम ऑन, एनुअल रेट इज हाउ मच 600, तो हर महीना कितना हो रहा है 50, तो तीन महीने में कितना होगा 150, तीन महीने में कितना होगा 150 ए, कितना साल हो रहा है 10 साल, एक साल में कितना क्वार्टर 4, तो 10 साल में कितना क्वार्टर 40, एक क्वार्टर में कितना बार, एक क्वार्टर में कितना बार 3 बार, एक क्वार्टर में 3 महीना होता है दीदी। एट द रेट क्या आएगा बताओ, एट द रेट में क्या आएगा जल्दी बताओ, I4/4 इज क्वार्टरली इफेक्टिव रेट, तो अपने क्या कर रहे हैं 1.04 का स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 इज व्हाट I4/4, फटाफट से कैलकुलेट करिए, फटाफट से कैलकुलेट करिए, 0.019804। अब मेरा बात यही आएगा, हाँ ठीक है 0.019804। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, लाल में देखो, लाल में देखो, ये क्या है क्वार्टर्स का, ये क्या है क्वार्टर्स का, और ये क्या है क्वार्टर्स का, ये तीनों क्या है सेम टाइम पीरियड का है। तुम्हारा दिमाग में रखना कि ये I4/4 है, तुम्हारा दिमाग में रखना कि ये I4/4 है। अब जब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो आएगा 151 माइनस 1.019804 टू द पावर माइनस 40 बाय में क्या आएगा जल्दी बताओ, I3 आएगा, तो I3 तुम कौन सा रेट को I मान के करेगा, I3 निकालना होगा ना, तो I किसको मानेगा, I3 निकालना है ना, तो I किसको मानेगा, इसको I मान के करेगा। ये एक्चुअल में क्या है I4/4, लेकिन जिस टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं उस टाइम पीरियड का ये I है, ठीक है। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, ये एक्चुअल में है I4/4, लेकिन जिस टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं उसका क्या है ये I, तो अज्यूम करके चलेंगे कि ये क्या है I। एक बार इक्वेशन बन गया ना, अब भूल जाना कि I4/4 है कि I2/2 है कि I है कि क्या है, I मान के I3 निकालेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनाएंगे, 1.019804 टू द पावर क्या होगा जल्दी बताओ, 1/3 माइनस 1 होल इनटू 3 इज व्हाट I3। सॉल्व करके देखिए सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा, फटाफट से सॉल्व करके देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या हुआ क्या हुआ, कैलकुलेटर चलाने में दिक्कत क्यों हो रहा है, घर में क्लास नहीं देख के आई हो, 1.019804 टू द पावर 1 डिवाइड बाय 3 नीचे उतरो माइनस 1 ठीक है इनटू 3, क्या दिक्कत हो रहा है इसमें, हाँ 4.4144 आ रहा है ना, ठीक है। यही सेम चीज को देखो दोबारा से, अगर हाफ ईयर्स में करते हैं, हाफ ईयरली पेमेंट इज हाउ मच 300 ए, कितना हाफ ईयर्स 20, एक हाफ ईयर में कितना बार 6 बार, एट द रेट हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट इज हाउ मच 4%, I2 तो अपने को 8% दिया भाई है, I2 को हमने कितना दिया हुआ देखो ना 8% दिया हुआ, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, तो 300 वन माइनस 1.04 टू द पावर माइनस 20 बाय व्हाट, बाय व्हाट I6 ना, I किसको मानेंगे, बस तो 1.04 टू द पावर 1/6 माइनस 1 होल इनटू 6 इज व्हाट I6। सिमिलरली यहां पर देखो एनुअल में काम करेंगे, अगर एनुअल में काम करेंगे तो क्या होगा 600 A10
कितना बार एक साल में? 12 बार। एट द रेट आई निकालना पड़ेगा ना, आई निकालो, कैलकुलेटर में मारो, 1.04 स्क्वायर माइनस 1, 1.04 स्क्वायर माइनस 1, 0.0816, तो यहां पर आ जाएगा 600, 1 माइनस 1.0816 टू द पावर माइनस 10 बाय व्हाट? बाय व्हाट जल्दी बताइए, आई 12। और आई किसको मानेंगे, आई किसको मानेंगे, इसको मानेंगे 1.0816 टू द पावर व्हाट? 1 बाय 12 माइनस 1 होल इन टू 12 इज व्हाट? आई 12। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अभी तुम लोग एक्सेल का क्लास है, 10 मिनट का ब्रेक है, फटाफट खाना खा लो, 2:15 पे एक्सेल का क्लास चालू करेंगे। आज हम लोग का लेवल एनमिटी हुआ खत्म, कल हम लोग मिलेंगे डॉट 12:30 बजे, कल हम लोग करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंपाउंड एंड डेफर्ड एनमिटीज। यूट्यूब पे वाला क्लास डाला हुआ है, हो सके तो हल्का सा देख के आना, ठीक है? थैंक यू। एंड परसों को हम लोग करेंगे इक्वेशंस ऑफ वैल्यू, पढ़ने के बाद में आपका है 1 घंटे का टेस्ट। टेस्ट में ऑफलाइन में जो जीतेगा 1100 का इनाम अलग, ऑनलाइन में जो जीतेगा 1100 का इनाम अलग, तुरंत इंस्टेंट होगा। और परसों को आप लोग सबको लैपटॉप भी लेके आना है, ठीक है? थैंक यू। नहीं आज हो रहा है, नहीं CB1 का क्लास आज नहीं है। थैंक यू। नहीं।